अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डायट शो नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई एम श्योर हमारी सारी बहनें बहुत इंटरेस्ट के साथ आज का प्रोग्राम फॉलो करेंगी। आज है कि डाइट इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। आज हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और आपको टिप्स भी देंगे ताकि एक ज़रा सा पैटर्न आपके लिए तैयार हो जाए और उसी में से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है ये चीज़ नहीं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिसका आपने बहुत ख्याल करना है कि मर्क्यूरी जो है वो बहुत मिस कैरेजेस उससे हो जाते हैं। तो जो शेल फिश है यानी कि प्रॉन्स, जिसके ऊपर जो मछली यानी कि जो सी फूड शेल से निकले, जैसे कि क्रैब शेल से निकलता है, प्रॉन शेल से निकलता है, लॉबस्टर शेल से निकलता है, शेल फिश में मर्क्यूरी के लेवल्स बहुत ऊंचे होते हैं। तो वो आपने कोशिश करें कि वो वाली मछली ना खाएं, कच्ची मछली ना खाएं। अगर मछली खानी ही है तो वो पकी हुई होनी चाहिए और बिल्कुल लाइटली कुक्ड होनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैकरेल एक मछली है, वो भी नहीं आपको लेनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड जो बेबी का जो फीटस होता है उसकी जो उसके दिमाग और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और उसकी जो सारे उसके ऑर्गन्स हैं उनको सही तरीके से डेवलप करने के लिए माँ को फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत है। और फॉलिक एसिड आपको पपीते से मिलेगा, आपको सारी जो हरी सब्जियाँ हैं ना, जैसे कि पालक है, पालक से आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको विटामिन सी, यानी कि जो फल आपको विटामिन सी देते हैं वो आपकी स्पेशली ग़ज़ा में नुमाया होने चाहिए, जैसे कि ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, ये सारी चीज़ें। नींबू का इस्तेमाल करें या तो उसका जो जूस है वो अपने खा, जो भी आप खा आपकी इंटेक है उस पर आप स्प्रिंकल करें ताकि बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त फॉर्म ऑफ विटामिन सी है वो आपकी डाइट में शामिल हो। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताते हुए बहुत, इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज इससे क्या होता है कि प्रेग्नेंट ख्वातीन के लिए मैं एक ओवरव्यू उनको देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो कुछ ऐसी चीज़ें उनसे परहेज़ करें। बहुत दफ़ा मुझे ये भी सवाल किया जाता है कि जी हम डाइट कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डाइट में क्या होता है, डाइट में हम कैलोरीज कम करते हैं ना। जब हम कैलोरीज कम करते हैं तो हम इंसान की न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ इंसान को चाहिए अच्छी बैलेंस डाइट के लिए वो कम हो जाती हैं, तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कम हो जाते हैं। और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें तो न्यूट्रिएंट लेवल और मिनरल लेवल बिल्कुल टॉप पे रखना है ना, ताकि उनके बच्चे की ग़ज़ा के लिए और उसकी नशोनुमा के लिए और उसकी सेफ डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह। तो इसीलिए डाइट नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को ज़बरदस्त ग़ज़ा प्रोवाइड करें और वज़न भी ना बढ़ाएं। ज़्यादातर ये होता है कि प्रेगनेंसी में, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद आते हैं और उन्होंने बहुत बद परहेजी की होती है प्रेगनेंसी में और वो वज़न बहुत बच्चे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो उतर तो जाता है लेकिन उन्हीं के लिए तकलीफ़ होती है, थोड़ा वक्त लगाता है और देर से उतरता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप बस हर चीज़ खा लें और ओवर ईट करें और अपनी डाइट में मीठे और चॉकलेट्स और आई नो क्रेविंग बहुत होती है प्रेगनेंसी में, बिकॉज ऑब्वियसली हॉर्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल हेवायर हो रहे होते हैं। तो किसी को मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को चाइनीज़ फूड की क्रेविंग होती है, किसी को खट्टी चीज़ की क्रेविंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ों की क्रेविंग होती है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल इख्तियार करना होगा। जब हम सेल्फ कंट्रोल इख्तियार करते हैं तो हमें पता होगा कि ठीक है हमें इस वक्त बड़ी भूख लग रही है, कंफर्ट फूड लेने के बजाय, चिप्स का पैकेट खाने के बजाय या चॉकलेट खाने के बजाय हम कोई हेल्दी चीज़ क्यों ना खा लें, ये भी तो कर सकते हैं ना। फोकस ये करना है कि डाइट हमें बहुत अच्छी रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो दूध अगर आपका भैंस का घर में आ रहा है तो उसको बगैर उबाले हुए आपने नहीं पीना, बिकॉज वो ऐसी बीमारी उससे हो सकती है कि वो
मिसकैरेज भी कॉज कर सकती है, अब्सॉर्प्शन भी अबॉर्शन भी कॉज कर सकती है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में माँ अपने आप को डाल सकती है अगर आपने दूध सही से नहीं उबाला। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैकेज वाला दूध खरीद रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी पैस्चराइज्ड होता है, तो उसकी आपको फिक्र की बात नहीं, बट स्पेशली जो घर में दूध आता है उसको सबसे पहले ज़रूर उबालें। और कोशिश ये करें कि अगर प्रेगनेंसी है तो मलाई के बगैर दूध पिएं, दूध ज़रूर पिएं लेकिन मलाई के बगैर पिएं, और मलाई ऊपर से कम अज़ कम दो दफ़ा उबालें ताकि अच्छी तरीके से मलाई बिल्कुल उतर जाए, तो वो बिल्कुल दूध जो है वो पानी की तरह हो जाएगा। उसमें सारा जो फैट कंटेंट है जो मोटा करता है और उस वो जो है वो सारा हट जाएगा। तो बेसिकली आपके पास दूध उसके कैल्शियम से भरपूर, आपके पास मिनरल न्यूट्रिएंट से भरपूर वो रह जाएगा, लेकिन उसका फैट कंटेंट हम हटा पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि दो दफ़ा ज़रूर उसको ज़रूर उबालें। दूसरी बात ये है नाज़रीन कि थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज बेबी की जब डिलीवरी हो का वक्त आता है तो वो बहुत आसान हो जाती है। अगर सी सेक्शन होता है तो वो तो ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफरेंट, बट नॉर्मल डिलीवरी में बेबी बहुत आसानी से डिलीवर हो जाता है अगर आपकी कंटिन्यूस एक्सरसाइज हो रही है, या छोटी मोटी वॉक, चहलकदमी, थोड़ी योगा, थोड़ी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस, ये बहुत ज़्यादा दे टेक यू अ लॉन्ग वे, ये बहुत ज़्यादा माँ के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा ये कि रात को कोशिश करें कि मीठे का इस्तेमाल ना करें। अगर मीठे की क्रेविंग हो भी रही है, क्योंकि आप दिन में एक्टिविटी बहुत होती है तो दिन में खा लें, लेकिन उसको रात में खाने के बाद मत खाएं। और कोशिश करें कि एक रूटीन फॉलो करें, सुबह नाश्ता ज़रूर करें, दोपहर को खाना ज़रूर खाएं, सारी अपनी ग़ज़ा ज़रूर लें, जो स्नैक्स के टाइमिंग्स हैं उनमें फल ज़रूर खाएं, फ्रूट ज़रूर खाएं, लेकिन रात को खाना जल्दी खाएं। और अगर लेट नाइट जाग रहे हैं और मतलब भूख लग रही है, आई नो प्रेगनेंसी में तो दो फर्द के लिए खाना पड़ता है, लेकिन अगर भूख लग रही है तो इसी तरह जैसे मैंने कहा कि नट्स का इस्तेमाल करें, खजूरों का इस्तेमाल करें, इतनी फ़ायदेमंद होती है, इतनी आयन होती है उनमें, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, खजूरों का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने कहा तरबूज, खरबूजा जो आजकल सीज़न में है, पपीता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिवाय फ़ायदे के और आपको एनर्जी के और कुछ भी नहीं देती, और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बगैर वज़न इतना ज़्यादा गेन किए हुए आगे आपको लेके चलते हैं। और आपके सारे जो ट्राइमेस्टर्स हैं उनमें आपको हर ट्राइमेस्टर में आपकी कैफियत ऑब्वियसली और आपके हॉर्मोन्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे और आपको डिफरेंट क्रेविंग्स होंगी, बट जनरल जो जो आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो ये है कि बेसिकली आपको कम खाना है, अच्छा खाना है, सेहतमंद खाना खाना है, और जो बेबी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो वही चीज़ खानी है, और मीठा जो है उससे जितना ज़्यादा परहेज़ कर सकें वो बेहतर है। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ डब्बे से निकली हुई हो यानी प्रोसेस्ड हो, जैसे कि आजकल आई नो आसान होता है, लेकिन वो आसानी जो है वो लेटर ऑन हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। और वो क्या चीज़ें मैं कहने वाली हूँ, जब हम जाते हैं और आजकल मैं ब्रांड नहीं नाम नहीं ले सकती, लेकिन जो डब्बों में वो शामी कबाब आते हैं और छोटे छोटे नगेट्स बने हुए होते हैं, या शामी कबाब होते हैं या सीख कबाब होते हैं, वो हम घर लाते हैं और वो बहुत आसानी से, वो मज़े के भी बहुत होते हैं बट वो सारे प्रोसेस्ड होते हैं, उनमें सोडियम लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और हम उनको बहुत आसानी से ओवन में रख के उनको तैयार कर लेते हैं, और वो बहुत सबको, घर वालों में सबको बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो सब स्पेशली प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं तो इनफैक्ट वेट लॉस में भी जब कोई मेरे पास आते हैं और उनका वज़न बढ़ा हुआ होता है, मेरा पहला सवाल होता है कि ये डब्बे वाली चीज़ें तो घर में नहीं आती, और अगर आती हैं तो उस वक्त इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिकॉज ये से मोटापा पैदा करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं, सोडियम लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और प्रोसेस्ड इसमें जो एडिटिव्स जो ऐड किए जाते हैं उस फ्लेवर इन्हांसर्स, यानी कि उसको और मज़ेदार बनाने के लिए ताकि आप बार बार उनका डब्बा ख़रीदें, वो जो है वो बिल्कुल आपके लिए पॉइजनस है। चाय जो है वो सिर्फ दो दफ़ा दिन में पीनी चाहिए, और जो सोडाज हैं वो अगर पीने ही हैं तो दो से ज़्यादा नहीं पीने चाहिए, बिकॉज़ वो स्ट्रेट एम्प्टी कैलोरीज हैं। पहली बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि जी हम डाइट सोडा पी रहे हैं, अच्छा जो डाइट सोडा है ना वो नॉर्मल सोडा से ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज़ उसमें एस्पार्टेम होती है,
तो वो तो बिल्कुल ही प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो नॉर्मल लेना चाहिए। दूसरा ये कि टमाटरों का इस्तेमाल करें खाने में, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खाएं, अलग से सलाद बनाएं जिसमें टमाटर का इस्तेमाल करें। दूसरा गोभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, उसका अपनी डाइट में बहुत इस्तेमाल करें। पालक का इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा, पपीते का इस्तेमाल करें, ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें, पनीर जिसके अंदर जो दूध से बनती है कॉटेज चीज़, उसमें विटामिन, एक तो कैल्शियम है और विटामिन B12 है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, वो उसका इस्तेमाल करें। पनीर बहुत सारी इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते में लें। दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो उनको दूध हसम नहीं होता, वो दही ज़रूर खाएं, उसमें भी B12 है और विटामिन B12 और कैल्शियम है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट होते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके वेट लॉस में, आपके वेट कंट्रोल में और आपकी डाइट में। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो नुकसान उठाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो रेड सेल्स सही तरीके से नहीं बन पाते, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आती जो हमें फल और सब्जियां देते हैं। और आपको पता है कि वेजिटेबल प्रोटीन जो है वो हमें दालों और सब्जियों से ही तो आती है, तो सिर्फ हम चिकन पे थोड़ी अपनी बॉडी को परफेक्ट रख सकते हैं, हमें सारी चीज़ें चाहिए। बैलेंस डाइट ही तो हमें चाहिए, बैलेंस डाइट की वजह से हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं और वेट अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।